दोस्तों वेट लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति होने का क्या कारण था और औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इस पर चर्चा करेंगे। फिर औद्योगिक क्रांति होने का क्या परिणाम निकला या क्या प्रभाव रहा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम औद्योगिक क्रांति की छोटी सी भूमिका देख लेते हैं, ठीक है। मानव समाज के इतिहास में दो प्रसिद्ध क्रांति हुई जिसने मानव को सर्वाधिक प्रभावित किया। एक क्रांति तो उस समय हुई जब उत्तर पाषाण युग में मानव शिकार छोड़ करके पशुपालन एवं कृषि का पेशा अपनाया। वहीं दूसरी क्रांति वह है जब आधुनिक युग में कृषि को छोड़कर मानव ने व्यवसाय को प्रधान दिया, यानी कृषि कार्य को छोड़कर के जो व्यवसाय या औद्योगिक कामों में योगदान दिया, या हम कर सकते हैं कि कृषि कार्य के प्रधानता को छोड़कर के व्यवसाय को प्रधान बना दिया, उसी को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ठीक है। औद्योगिक क्रांति का हम लोग कारण देखेंगे, इसका मुख्य कारण क्या रहा। आप लोग देख रहे होंगे कारण को भी मैं कई पार्टों में बांट दिया हूँ। सबसे पहला कारण आप लोग देखें पूर्ण जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। पुनर्जागरण ने यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत की। यही वह समय था जब तार्किक विचारों के माध्यम से विज्ञान के विकास को प्रोत्साहन दिया गया। विज्ञान के विकास को प्रोत्साहन देने के कारण इस समय देखिएगा कि नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए प्रौद्योगिक का विकास हुआ। इसी समय देखिएगा कि नए नए क्षेत्रों का भी विकास हुआ। तो पुनर्जागरण ने यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान दिया औद्योगिक क्रांति होने में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहीं पे देखिएगा कि अनेक भौगोलिक जगहों की खोज हुई, ठीक है, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति संभव हुआ। नेक्स्ट देखिएगा वाणिज्यवाद या वाणिज्य व्यापार वाणिज्य में भारी वृद्धि हुई। फलस्वरूप क्या हुआ, यूरोप के व्यापारियों के पास बहुत ज्यादा धन संचय होने लगा, और वही धन संचय जो यूरोप के व्यापारियों या इंग्लैंड के व्यापारियों के पास हुआ, जिसके कारण लोग उद्योगों में लगाने, क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा पूंजी और मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं, और वो मुनाफा कमाने के कारण लोग व्यापार वाणिज्य में भारी वृद्धि हुआ। औद्योगिकरण में लोग पैसे लगाने लगे, ठीक है, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। नेक्स्ट देखिएगा जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में काफी तेजी से उस समय वृद्धि हो रही थी। यूरोप की बढ़ती जनसंख्या के साथ क्या हुआ, रोजगार और जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी की मांग वृद्धि हुई, जिसकी आपूर्ति कुटीर एवं लघु उद्योग से संभव नहीं था। वही कुटीर और लघु उद्योग संभव नहीं होने के कारण क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण कुटीर और लघु उद्योग के जगह पर मशीन ने जगह अपना स्थान बना लिया। वही मशीन ने जगह बना लिया जिसके कारण औद्योगिक क्रांति संभव हुआ। नेक्स्ट देखिएगा फ्रांसीसी क्रांति का योगदान। इसमें फ्रांसीसी क्रांति का भी एक अहम योगदान रहा, ठीक है। 1789 ईस्वी में की फ्रांसीसी क्रांति संपूर्ण यूरोप में उदारवादी एवं प्रजातांत्रिक राजनीति पद्धति को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने क्या किया, हालांकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की स्थिति जो था वो उतना मजबूत नहीं था, कि फिर भी वहां पे एक अनुकूल परिस्थिति थी, और उस अनुकूल परिस्थिति के कारण क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति संभव हुआ, ठीक है। फिर राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय में हम लोग देखें राष्ट्रीयता की भावना जो 19वीं शताब्दी में था प्रबल होने लगा था, ठीक है। भौगोलिक खोज और विज्ञान की जो खोजें हुई, अपनी जो राष्ट्रवाद का उदय था, दूसरे राष्ट्र में भी अपने राष्ट्रवाद के उदय के हित जागने लगा, ठीक है, जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया।
नेक्स्ट देखिएगा कारखाना पद्धति का विकास, इसी समय देखिएगा कि लघु एवं कुटीर उद्योगों का जब विनाश हुआ उसी समय कारखाना पद्धति का विकास हुआ, इसी समय पुटिंग आउट पद्धति को घरेलू पद्धति भी कहा जाता है। पुटिंग आउट पद्धति वो पद्धति हुआ जिसमें लोग व्यापारी लोग क्या करते कच्चे माल दे कर करके लोगों को घर में ही उत्पादन करने के लिए बोलते थे या असेंबल करने के लिए बोलते थे, लोग अपने घरों में ही उत्पादन करते थे, सिर्फ उनको कच्चे माल मिल जाता था। इसके बाद पुटिंग आउट पद्धति के बाद क्या हुआ कि इसी समय फिर व्यापारी लोग क्या किए कि कच्चे माल नहीं देकर के लोगों को अपने घर में ही इकट्ठा कर करके कारखाना प्रति कच्चे माल लेकर के वहां पे उत्पादन करवाते थे, जिससे एक कारखाना पद्धति का इसी समय जन्म हुआ। यहीं से कारखाना पद्धति का जन्म शुरू हो गया क्योंकि कच्चे माल अपने घरों में ही कई एक मजदूरों को इकट्ठा करके वहीं पे उत्पादन करवाते थे, जिससे कारखाना पद्धति का उदय हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आखिर क्या कारण था जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही हुई, जबकि इसका उस समय देखिएगा फ्रांस भी विकसित अवस्था में था। इंग्लैंड में व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग की प्रधानता थी, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति ही वैसा थी जिसके कारण वहां पे औद्योगिक क्रांति संभव हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे अब इंग्लैंड में ही आखिर क्यों हुआ। आप लोग सबसे पहले तो देखिएगा वहां के अनुकूल राजनीतिक वातावरण था, वहां पे अन्य देशों की अपेक्षा राजनीतिक स्थायित्व था जिसके कारण वहां व्यापारी गतिविधि जो हुआ उसको बढ़ावा मिला। व्यापारिक गतिविधि जो बढ़ावा मिलेगा तो लघु एवं कुटीर उद्योगों से कहीं भी व्यापारिक गतिविधि बढ़ाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक सीमित मात्रा में ही लघु एवं कुटीर उद्योग से वो उत्पादन हो पाता है, तो उसी के कारण से औद्योगिक क्रांति लघु एवं कुटीर उद्योग के स्थान पर मशीन ने अपना स्थान ले लिया। वही क्या हुआ वृद्धि हो गया उत्पादन में और वही वृद्धि के कारण यहाँ पे राजनीतिक वातावरण उत्पन्न हुआ। ठीक है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी सुदृढ़ थी। भौगोलिक स्थिति देखिए भूमध्य सागर के मध्य में था, यहाँ पे आने जाने का एक सुगम नौ संचालन व्यवस्था था जिसके कारण उपनिवेशों में भी यहाँ से माल सप्लाई किया जा सकता था और माल सप्लाई किया जाता था। ठीक है, इसके निर्माण में भी जैसे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता था और कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो मशीनीकरण होगा और कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो फिर क्या होगा औद्योगिकरण का विकास हो गया और औद्योगिकरण के विकास से आउटपुट ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी उसी टाइप का थी। एक सुदृढ़ नौसैनिक शक्ति यहाँ पे थी, नौसैनिक शक्ति के माध्यम से जो भी अपना माल था वो दूसरे क्षेत्र में ये भेज सकते थे या दूसरे उपनिवेश में भेज सकते थे। ठीक है, और कच्चा माल दूसरे उपनिवेश से भी ये मंगा सकते थे। एक प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ पे प्रचुरता थी। पर इंग्लैंड में क्या था, कोयले एवं लोहे का विशाल एक भंडार था, वो कोयला एवं लोहे का एक ही जगह विशाल भंडार रहने के कारण यहाँ पे औद्योगिक क्रांति अच्छा से और जल्दी विकास हो गया। कृषि क्रांति सबसे इम्पोर्टेंट कृषि क्रांति है। कृषि क्रांति के कारण ये औद्योगिकरण हुआ क्या कि कृषि क्रांति पहले पारंपरिक रूप से खेती होता था, अब क्या हुआ कि साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास कर जाने से कृषि में तरह तरह के यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ पे यंत्रों के प्रयोग से उत्पादन अधिक होने लगा। उत्पादन अधिक होगा तो लोग करेंगे क्या, कुछ लोग बेरोजगार हो जाएंगे और वही कुछ लोग बेरोजगार हो जाने से फिर औद्योगिक क्रांति वहां पे कच्चा माल सुगमता से मिलेगा और उद्योग में चाहिए क्या, जो बेरोजगार हो गए उद्योग में
सस्ते मजदूर मिल गए, तो ये कृषि क्रांति ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि भी अधिक होने लगा। लोग जहाँ कृषि में 10 आदमी लगे हुए रहते थे, यंत्र में क्या हुआ, 1 या 2 लोग ही काम, 8 लोग जो बेरोजगार हुए, सस्ते श्रम मिलने के कारण उद्योग में लग गए, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति हुआ। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि भी इंग्लैंड में उस समय हो रहा था। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही क्या हुआ, डिमांड अधिक बढ़ने लगा। डिमांड अधिक बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि सप्लाई भी अधिक होगा। सप्लाई अधिक होने से क्या होगा कि औद्योगिक कुटीर और लघु उद्योग से वो सप्लाई पूरा नहीं हो सकता है, तो कुटीर और लघु उद्योग के स्थान पर उद्योग ने स्थान ले लिया, और उद्योग ने स्थान ले लिया तो वही औद्योगिकरण या वही कल पुर्जे और मशीन के से उत्पादन ज्यादा होने लगा, जिससे अधिक जनसंख्या में उसको संभव हुआ। ठीक है, इंग्लैंड का औपनिवेशिक विस्तार, इंग्लैंड देखिए उसी समय भारत और अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार हो रहा था, वहीं पे भारत और अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार के कारण वहां के जनसंख्या पे भी इसका नजर था, और वहां पे औपनिवेशिक विस्तार के कारण वहां भी माल सप्लाई करना था, तो अपने औपनिवेशिक विस्तार के कारण इंग्लैंड क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति जल्दी ले रहा है। ठीक है, पूंजी की उपलब्धता, यहाँ पूंजी की उपलब्धता भी प्रचुर मात्रा में थी, क्योंकि यहाँ के किसान भी सुखी संपन्न थे। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति एवं नए आविष्कार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुए। ठीक है, वस्त्र उद्योग 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटर का विकास हुआ। फ्लाइंग शटर आप देखिएगा, फ्लाइंग शटर एक ऐसा मशीन था जो जिससे कपड़ा बुनाता था, उससे कपड़ा बुनाने का जो काम हुआ वो ज्यादा मात्रा में हुआ। उसी 1764 ईस्वी में देखिएगा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ। स्पिनिंग जेनी के माध्यम से जो वस्त्र उद्योग हुआ फ्लाइंग शटर, यहाँ पे क्या हुआ, फ्लाइंग शटर नामक मशीन से कपड़ा बुनने का हुआ। जब कपड़ा अधिक बुनाएगा तो वहां पे सूत भी अधिक चाहिए। ठीक है, तो वही स्पिनिंग जेनी के माध्यम से सूत कटाई अधिक होने लगा, जिससे यहाँ पे वस्त्र उद्योग बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, अब स्पिनिंग जेनी की आविष्कार से क्या हो गया, अब 8 गुना अधिक सूत कटाने लगा पहले के अपेक्षा से, जिसके कारण कपड़ा का डिमांड पूर्ति किया जा सका। देखिएगा वाटर फ्रेम एवं पावर लूम का भी यहाँ पे विस्तार हुआ, जिसके कारण कपड़ा अधिक संख्या में यहाँ पे बुनाने लगा। वहीं देखिएगा लोहा एवं कोयला उद्योग, कोक से लोहा गलाने की पद्धति इसी समय विकसित हुई। कोक से लोहा गलाने की पद्धति से यहाँ पे जो विकसित हुई, उसी से औद्योगिक क्रांति अधिक पनपने लगा। फिर देखिए परिवहन क्षेत्र में नवीन आविष्कार हुए, जैसे रेलवे का आविष्कार देखिएगा, वाष्प इंजन, नौसैनिक इत्यादि जितने हुए परिवहन के क्षेत्र में, सड़क का विकास हुआ, ये सब औद्योगिक क्रांति को ले लाया। ठीक है, संचार व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। देखिएगा 1850 ईस्वी में आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत हुआ। आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत से एक जगह से दूसरे जगह पे सुगम से संचार पहुंचने लगा। वहीं देखिएगा तार यंत्र का भी प्रयोग होने लगा, टेलीफोन का भी आविष्कार हुआ, बेतार का भी आविष्कार हुआ, वहीं रेडियो पद्धति का भी विकास हुआ। लोग अधिक मात्रा में और जल्द से जल्द सभी के पास सूचना पहुंचने लगे, तो जिसके कारण आप देखिएगा इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, उस इंग्लैंड में ही होने का ये बहुत सारे कारण थे। इस कारण से इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, और वहीं इंग्लैंड में उपनिवेशवाद का भी भावना था। दूसरे जो क्षेत्र में थे वहां भी सप्लाई करना था, क्योंकि वहां से डिमांड काफी आता था, और डिमांड को पूरी करना, जो भी उपनिवेश है उपनिवेश को पूर्ति करना, ये इंग्लैंड का ही या मालिक का ही काम होता है। ठीक है, अब देखिएगा परिणाम या प्रभाव औद्योगिक क्रांति का क्या हुआ। सबसे पहले तो राजनीतिक क्षेत्र में हम
परिणाम देखते हैं। राज के कार्य एवं दायित्व बढ़ गए, क्योंकि राज का जहां भी औद्योगिक क्रांति होगा सुरक्षा की भावना, क्योंकि पूंजीपति को सुरक्षा चाहिए, वही सुरक्षा देने के लिए राज का कार्य बढ़ गया। ठीक है, पूंजी एवं श्रम के तनाव को कम करने तथा श्रमिक वर्ग के समस्याओं को सुलझाने के लिए राज का हित लोक कल्याणकारी होने लगा। ठीक है, इस समय राजा राज का सिस्टम खत्म होने लगा, यही राज का सिस्टम का उदय हुआ और लोक कल्याणकारी राज होने लगा। मध्य वर्ग की शक्ति एवं आकांक्षा बढ़ गए एवं राजतंत्र की शक्ति कम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सामाजिक कारण। ठीक है, मध्य वर्ग सशक्त बना, वहीं दूसरी ओर सर्वहारा वर्ग का उदय हुआ। मध्य वर्ग एक सशक्त बना, सर्वहारा यानी दो वर्ग का उदय हुआ, मध्य वर्ग और सर्वहारा वर्ग। समाजवाद उभर कर आया जो पूंजीवाद को चुनौती दिया। ठीक है, विलासिता संबंधी सामग्रियां पर बल दिया गया, इसके कारण क्या उपभोक्तावादी संस्कृति का जन्म हुआ। जहां भी विलासिता संबंधी सामग्रियां पर बल दिया जाएगा उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक, आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव रहा औद्योगिक क्रांति का। ठीक है, उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई, अर्थव्यवस्था उद्योग प्रधान हो गए, औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। ठीक है, शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गए, क्योंकि जब लघु और कुटीर उद्योग का नाश होगा तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और क्योंकि उस समय आप देख रहे होंगे कृषि के क्षेत्र में भी मशीन आ गया, लघु और कुटीर उद्योग के जगह पे अब मशीन ने काम करना, जहां 10 आदमी काम करते थे और एक चीज बनाते थे, वही मशीन अब अकेले काम कर करके 10 आदमी का काम कर रहा है, तो बाकी लोग जो बेरोजगार हो गए शहर में अपने रोजगार तलाशने चल दिए। ठीक है, वही शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गए। ठीक है, आर्थिक असंतुलन हुआ, विकसित और पिछड़े देशों के मध्य खाई बढ़ते गया। ठीक है, बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ, धातु के स्थान पर अब कागजी मुद्रा ने स्थान ले लिया। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर का भी विकास हुआ। वहीं पे देखिएगा वैचारिक क्षेत्र में, वैचारिक क्षेत्र में साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला, वहीं मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिला, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जहां भी औद्योगिक क्रांति होगी, औद्योगिक क्रांति होगी कि दूसरे उपनिवेशवाद में जाएगा या दूसरे क्षेत्र में अपना बना बनाया हुआ माल भेजेंगे, जिसके कारण वहां पे मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, तो ये हो गया औद्योगिक क्रांति। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।